माइसेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी रिगार्डिंग कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की और इसकी हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं, ये दोनों काम इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए बिना किसी टेंशन के इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट टॉपिक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। तो हम पहले पढ़ेंगे GI इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम, किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले सिस्टम में होता है। ओके, इस चीज को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम आपका फॉर्म किस तरीके से होता होगा, ये सिस्टम आपका एक्चुअल में फॉर्मेशन किस तरीके से लेता होगा। जैसे देखो, जब भी आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, यहाँ पे क्या मैंने लिया, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप किसी अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हो, ये हो गया NH2Z, ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूँ उसको, कि जैसे मान लो अगर मेरे पास NH3 होता तो इसको मैं क्या बोलता, अमोनिया बोलता। मैंने इसी के एक हाइड्रोजन को हटा के कोई जेड सा ग्रुप लगा दिया तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आपका अमोनिया डेरिवेटिव। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे केवल NH3 रखते हो, उसको अमोनिया बोलते हैं, NH3 की जगह पे एक हाइड्रोजन हटा के अगर आपने कोई Z ग्रुप लगा दिया तो उसको आप क्या बोलोगे, इसको अमोनिया डेरिवेटिव। तो जब कभी आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते हो तो यहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला सिस्टम मिलता है। कैसे बनेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से वाटर का लॉस हो जाएगा, यहाँ से क्या कर दिया आपने, H2O को लॉस कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ से वाटर को लॉस किया तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड NZ, ये सिस्टम आपका फॉर्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला सिस्टम फॉर्म कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, कार्बोनिल कंपाउंड को जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है आपका, एक सी डबल बॉन्ड N वाला सिस्टम आपके सामने फॉर्म हो जाता है। ओके, जब आपने फॉर्मेशन देख लिया तो आओ इसी चीज़ों का हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से इसके नाम लिखते हैं। जैसे नाम लिखने से मेरा क्या मतलब है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले सिस्टम में आप क्या बोलते थे चीज़ों को, सिस और ट्रांस बोलते थे, यहाँ पे वो नेमिंग अप्लीकेबल नहीं होती, यहाँ पे हम सिन या एंटी वाली नेमिंग को प्रेफर करते हैं। तो उसको हम समझते हैं कि सिन और एंटी से हमारा मतलब क्या होता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पे पहले आपका एल्डिहाइड्स को लेके केस समझा रहा हूँ। आपने लिया एक एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, आपने इथेनॉल लिया, इसको किसी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ आपने क्या किया, रिएक्शन करा दिया। अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से फिर से क्या होगा, इस तरीके से आप वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही लॉस होगा आपका बन क्या जाएगा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H। अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक तो उसके पास लोन पेयर था और एक Z ग्रुप था, तो हो सकता है लोन पेयर इस तरीके से और Z इस तरह से हो जाए, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास यहाँ पे ये बचती है। आप बताओ, अगर कभी भी आप ऐसा स्ट्रक्चर आए जिसमें हाइड्रोजन और ये जो Z ग्रुप है ये आपका सेम साइड में आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, ये मेरे पास सिन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और है मेरे पास कि यही सेम स्ट्रक्चर हो, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि ये जो Z ग्रुप है और H है ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में आ जाए। अगर इस तरह की कॉन्फिगरेशन आपको रिसीव होती है तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज टर्म्ड एज एंटी कॉन्फिगरेशन। तो ये दोनों जल्दी से आप नोट कर लो कि जब कभी एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने किसी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में कराई और आपको ऐसा देखने को मिला कि H और Z सेम साइड तो उसको सेम कॉन्फिगरेशन बोलोगे, और H और Z अपोजिट साइड तो उसको क्या बोलोगे, आप एंटी कॉन्फिगरेशन वहाँ पे बोल दोगे। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा है, इसका सिस और ट्रांस से कोई रिलेशन नहीं है, इसमें हम सिस और ट्रांस नहीं, सिम और एंटी नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे ज़रूरत ये है कि हम कुछ बेसिक अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में जान लें जो हमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स ड्रॉ कर लेता हूँ जो आपको बेसिकली इन जनरल क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। देखो, जैसे पहला अमोनिया डेरिवेटिव होता है NH2Z, इससे मेरे को बनाना है। तो अगर आपने क्या किया, Z के जगह पे NH2 रख दिया तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा NH2NH2। इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है आपका हाइड्राजीन। NH2NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। अगर आपने Z के जगह पे OH रख दिया, Z के जगह पे अगर आपने OH रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से NH2OH। इसका नाम क्या होता है आपका, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपने Z के जगह पे
इस तरह से पुट कर दिया NH और इसके साथ अटैच कर दिया आपने फिनाइल रिंग। आपने यहाँ पे NH2 ही लगाने जा थी, लेकिन NH2 का एक हाइड्रोजन हटा के आपने फिनाइल रिंग लगा दी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा NH2NH और इस तरह से इससे क्या होगा अटैच होगा बेंजीन रिंग। इसका नाम क्या होता है आपका, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, ये वाला पार्ट हो गया फिनाइल और ये हो गया हाइड्राजीन। तो इसको क्या बोलोगे आप, फिनाइल हाइड्राजीन। आपका इतने स्ट्रक्चर से फिलहाल GOC के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस चीज़ों को हम स्पेशली जब आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ते हैं तो क्लास 12th में, वहाँ पे इस चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव हैं। और भी होते हैं जैसे सेमी कार्बाजाइड हो गया, 2,4-DMP हो गया, इस तरह के तमाम हैं। लेकिन फिलहाल इस लेवल पे 11th में जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन तीन स्ट्रक्चर से हमारा काम हो जाएगा। तो आप देखो, अगर Z की जगह पे NH2 रखा तो हाइड्राजीन, Z की जगह पे OH रखा तो हाइड्रोक्सिलमीन, और Z की जगह पे ये रखा तो फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें भी अगर देखो, इसमें एक नाम और जरूरी है कि जैसे अगर आपने किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दी, NH2OH से करा दी, मैंने यहाँ पे लिखा अगर किसी आपने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दी, तो इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, इस तरह से वाटर निकल जाएगा और आप क्या बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड NOH, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम ऑक्सिम बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल अमीन का जो सी डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं। तो ये नाम भी बहुत जरूरी है, जो कि आपके आइसोमेरिज्म में बहुत बार पूछा जाता है कि इन द गिवन स्ट्रक्चर कितने तरह के ऑक्सिम फॉर्म होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार जल्दी से नोट कर लो और इसके बाद हम अपनी कंडीशन के ऊपर मूव करते हैं कि क्या कंडीशन होती है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। ओके, देखते हैं कि अब हम आते हैं इसके लिए कंडीशन के तौर पे कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। देखो, ये है मेरे पास आपका सी डबल बॉन्ड एन, एन के साथ क्या लगा हुआ है, एक लोन पेयर लगा हुआ है और एक जेड ग्रुप लगा हुआ है। इस पे कार्बन पे दो ग्रुप लग सकते हैं, ए और बी, इस तरीके से मैंने एक अरेंजमेंट ले लिया, यही पॉसिबिलिटी ही है। एन पे तो आपका एक लोन पेयर है और एक आपका जेड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन पे दो ग्रुप लग सकते हैं ए और बी, इस तरह के दो ग्रुप हो सकते हैं आपका। अगर ए और ए कभी भी बी के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि ए एंड बी आर डिफरेंट। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो देन दिस कंपाउंड विल शो आइसोमेरिज्म, यानी ये वाला कंपाउंड जो होगा देन इट विल शो GI, तब ये GI शो करेगा। और अगर कभी A और B बराबर हो गए तो ये कंपाउंड कभी भी GI शो नहीं करेगा। नाइट्रोजन पे हम क्यों कंडीशन ही रख रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पे कुछ भी आप कर लो हमेशा ग्रुप्स तो डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि एक तो लोन पेयर है। अब कोई सा भी ग्रुप रखोगे तो नाइट्रोजन पे तो हमेशा डिफरेंस ही आएगा, इसीलिए नाइट्रोजन पे कभी नहीं सोचना होता है कार्बन डबल पर नाइट्रोजन सिस्टम में, हमेशा आपको कार्बन के ऊपर देखना है कि अगर A और B आपके अलग अलग हो गए तो ये GI शो करेगा, अदरवाइज ए और बी सेम होंगे तो ये GI शो नहीं करेगा। अच्छा, इसी चीज को हम एक बार और समझते हैं आपका, अगर इसको आपने नोट कर लिया हो तो देखो एक एग्जांपल की तरफ हम और प्रोसीड करते हैं आपका। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इथेनॉल शो करेगा, इथेनॉल मतलब हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर इसकी रिएक्शन मान लो मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दी NH2OH से, तो क्या ये शो करेगा, हाँ बिल्कुल ये शो करेगा, क्योंकि जब इसकी इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, इस तरीके से O और H। तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों क्या है, एक तो CH3 और एक H, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, यानी ये कंपाउंड इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन वहीं अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए आपसे कि क्या एसीटोन शो करेगा, विल एसीटोन विल शो GI, तो आप एक बार पॉज करके सोचो एसीटोन क्या शो करेगा। देखो अब उसका आंसर देख लो, एसीटोन शो नहीं करेगा। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसकी रिएक्शन आपने किसी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में करी, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन, तो आप बताओ क्या ये शो करने वाला है, रिएक्शन के बाद तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N और OH, क्या ये शो करेगा, नहीं, ये कभी भी GI शो नहीं कर सकता। तो आपने सिंपल टर्म्स में देख लिया कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले सिस्टम में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब कोई कंपाउंड GI शो करेगा और कब GI शो नहीं करेगा। आपने उसकी नोमेनक्लेचर भी देख ली कि सिन और एंटी हम किस किस टर्म्स में उसको यूज़ करते हैं। ओके, ये समझ लिया आपने, तो ये आपके लिए एनफ है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है,
अब अगर कोई भी सिस्टम दे रखा रहेगा तो आपको बस कार्बन के ऊपर चेक करना है, अगर डिफरेंट तो वो शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। इसके रिगार्डिंग कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके लिए हम सेपरेट वीडियो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लाएंगे, वहाँ पे इस चीज़ को हम डिटेल में आपका समझेंगे कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। अभी हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे जीआई होगा और कहाँ पे जीआई नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, क्या ये कंपाउंड आपका जीआई शो करेगा, इट विल शो जीआई और नॉट। हाँ बिल्कुल सी बात है, ये जीआई आपका शो करेगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए वो अलग अलग है, एक है बेंजीन और एक है सीएसए। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है। अब आपने अगर ये समझ लिया तो आइए नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारे पास है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। ओके, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम, इसके अंदर हम जी आई आपकी देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखो बड़ा सिंपल सा है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है अगर आपका बन, तो एक तो नाइट्रोजन के पास इस तरीके से लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी इस तरीके से लोन पेयर, इधर भी कोई एक ग्रुप लगा होगा मान लेते हैं Z, और इस तरफ भी कोई ग्रुप लगा होगा Z। अगर आपको कभी ये वाली कंडीशन देखने को मिले तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप ये सिम है। इसमें भी जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो सिम या एंटिटी करते हैं। जब दोनों लोन पेयर आपके सेम साइड तो उसको आप क्या बोलोगे, ये सिम फॉर्मेट बना हुआ है। और इसी का अगर उल्टा आपने बना लिया कि जैसे इस तरीके से कुछ सिस्टम अगर ड्रा हो गया, यहाँ पे जेड और यहाँ पे जेड दोनों लोन पेयर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज एन एंटी फॉर। तो ये हो गया आपका सिम और वो हो गया आपका एंटी। इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर को यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है कि क्या ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा। हाँ, ये हमेशा जी आई शो करेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे आप देखने आओगे, इस नाइट्रोजन पे आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, एक ग्रुप लोन पेयर है और एक ग्रुप कुछ भी लगाओगे तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। सिमिलरली इस पे भी चेक करने आओगे तो इस पे एक ग्रुप ये और इस पे एक ग्रुप ये हमेशा, यानी एन डबल वन एन वाला सिस्टम अगर आपको दिख रहा है तो वो हमेशा जी आई आपका लगभग लगभग शो करेगा ही करेगा। ओके, अच्छा इसमें हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं आपको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें हम नेमिंग किस तरीके से आपकी करते हैं, किस तरीके से इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले सिस्टम में नेमिंग आपकी होती है। देखो इसमें अगर कहीं लिखा गया आपका कि जैसे ऐसे लिखा एजोमीथेन, अगर कभी लिखा गया कंपाउंड एजोमीथेन, तो एजोमीथेन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सी एस थ्री एन डबल बॉन्ड एन सी एस थ्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा एजोमीथेन। इस एन डबल बॉन्ड एन को हम एजो ग्रुप बोलते हैं, तो एजो एजो से लगा हुआ है क्या आपका मीथेन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ ये जी आई इसके कितने आपके आइसोमर्स बनेंगे, एक तो हो जाएगा एन डबल बॉन्ड एन, एक कंडीशन हो सकती है जब दोनों सी एस थ्री आपके सेम साइड में हो, और एक कंडीशन क्या हो सकती है एन डबल बॉन्ड एन जब दोनों सी एस थ्री क्या हो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दो कंडीशन हो सकती है। आप यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से लोन पेयर भी आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो जनरली जो एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम में जो आपको नेमिंग दिखेगी उसमें आपको एजो वर्ड का यूज दिखेगा, जैसे लिख देगा एजोमीथेन, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन अगर कहीं लिख दिया, जैसे देख लो अगर कहीं लिख दिया आपका एजोबेंजीन, तो एजोबेंजीन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ये पीएच एन डबल बॉन्ड एन और इससे भी क्या अटैच है पीएच, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और आपको पता है कि एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम है तो वो तो हमेशा जीआई शो करना ही करना है, तो ये भी जीआई आपका शो कर जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपका कवर किया कि किस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम फॉर्म होता है, क्या क्या अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट अमोनिया डेरिवेटिव क्या थे आपके, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल अमीन और फिनाइल हाइड्राजीन। फिर हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल अमीन का जो डेरिवेटिव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, ऑक्सिम बोलते हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स में करेंगे कि कितने तरह के ऑक्सिम्स फॉर्म होते हैं। और हमने कंडीशन लिखी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम कब जीआई शो करता है, जब कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों ग्रुप क्या हो आपके डिफरेंट हो तो उसमें शो करता है। इसमें कौन सा टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, सिम या एंटी। सिम कब यूज करते हैं, जब एच और जो ग्रुप लगा हुआ नाइट्रोजन से जेड वो दोनों सेम साइड तो सिम, और जो एच और अगर वो जेड ग्रुप दूसरी तरफ में लग जाए तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको एंटी बोल देंगे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम में क्या था, अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड में है तो सिम,
दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंटी बोलते हैं। अच्छा एक चीज आप और देख सकते हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग ही, कि जैसे मान लो इस कंडीशन में तो आपने बोला कि जैसे सी डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पे एच लगा हुआ था, यहाँ पे जेड ग्रुप लगा हुआ था, इस तरीके से लोन पेयर था, और इधर मान लेते हैं कोई कार्बन था, तो आपने इस पर्टिकुलर केस को सिंग या एंटी किस तरीके से बोला था, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यहाँ पे एच और जेड सेम साइड था तो इसको आपने सिंग बोल दिया था। लेकिन कभी ऐसा भी तो केस हो सकता है कि यहाँ पे एच ही ना प्रेजेंट हो, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे आपने मान लो सी टू एच फाइव ग्रुप लगा दिया, तो अब आप सिंग और एंटी इसमें स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं करते, इसमें हम कैसे बोलेंगे कि ये ग्रुप आपका सिंग है विथ रेस्पेक्ट टू सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव के रेस्पेक्ट में क्या है ये ग्रुप सिंग है, क्योंकि जेड आपका सामने किसके सी टू एच फाइव में, तो इसमें कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज सिंग विथ रेस्पेक्ट टू सी टू एच फाइव, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू सी एच थ्री। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे को वहाँ पे बताना था जो मेरे से मिस हो गया, तो ये यहाँ पे कवर हो गया। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो आपका अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।